गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने कल बात करी थी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, इसकी जो अपन वर्क करते हैं इसमें वो वर्क किस प्रकार से करते हैं। आज अपन जो बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ही है आज वाला भी, उसमें अपन देखेंगे कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से वर्क कर रही है। ये तो अपन ने देखा इनिशियल जो है इसका, यानी अपन इसको ये बोलते हैं जनरली जो बेसिक बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या वर्क होते हैं। जैसे कि अपन ने देखा उसके बेसिक वर्क किसमें होते हैं, फूड आइटम्स के लिए होते हैं, ठीक है, मेडिसिन डेवलप करने के लिए होते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स या फसलें बनाने के लिए उनका यूज में लिया जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि एक्चुअल में इनका यूज हो किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से अपन इसको यूज में ले रहे हैं। तो ये आज की बायोटेक्नोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप सभी लोगों को, देखिए अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, ये टाइम सभी के लिए खराब चल रहा है, ये आपके मेरे लिए भी, पूरे सभी के लिए, यानी मैं ये कहूंगी पूरे संसार में सभी के लिए ये एक बहुत बुरी परिस्थिति है, ठीक है। ये जो कोरोना पैंडेमिक, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, आप लोगों को इसके अंदर नेगेटिविटी में न जाते हुए आपको इसके अंदर पॉजिटिवनेस को ढूंढना है कि अपन इस समय को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, सर तो समय तो सबके पास है, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा, घर के ऊपर ही सब लोग रह रहे हैं, तो समय सबके पास है, डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, एग्जामिनेशन का क्या होगा? तो देखो एग्जाम होना या ना होना ये आपके और मेरे हाथ में तो ये है नहीं, ये यूजीसी डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो जब करवाएंगी उसको, जब देखेंगे कि हाँ परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं इसके, तो ये एग्जाम करवाए जाएंगे। तो वो चीज तो आप हटा दो एक बार कि वो एग्जाम कब होंगे, वो जब होंगे, जब ही होंगे उनके लिए अपन बैठे तो रह नहीं सकते हैं। तो अपन को तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, और स्पेशली जो अभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, उनको जिससे गवर्नमेंट ने प्रमोट कराया, तो उनको तो स्पेशली नेक्स्ट क्लास की रखनी है अपनी स्टडी। तो कंटिन्यूसली आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी जैसे देख रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, कई बार कमेंट भी आते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं सर अच्छा सूट हो रहा है, ठीक है, साउंड भी ठीक है, लाइट भी अच्छी है, बट इसके पीछे की हकीकत आप देखेंगे, बताएंगे आपको एकदम कि किस प्रकार से शूट करते हैं, क्या टाइमिंग होता है, सब चीज़ें के बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ें किस प्रकार से करते हैं, इजी नहीं, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि व्यवस्थाओं का रोना ना रोएं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या नहीं, कोशिश करें खुद को करने की और खुद को थोड़ा सा चेंज करने की, डेफिनेट आप लोग काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें फूड आइटम थे, मेडिसिन थी और हाइब्रिड क्रॉप थी। फूड आइटम अपन किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, मेडिसिन किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की मेडिसिन बनाई थी अपन ने, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी अपन डेवलप करते हैं, और तीसरा हाइब्रिड क्रॉप्स अपन बनाते हैं, फसलों का अपन निर्माण बायोटेक्नोलॉजी से कैसे करते हैं। तो ये सब चीज अपन ने कल देखी थी, ठीक है। आज अपन उसका एक स्टेप और आगे जाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल के अंदर वर्क किस प्रकार से कर रही है। इसलिए नहीं कल राइट डाउन करा तो एक बार दोबारा देख लें। चलिए आज अपन बात करते हैं बायो टेक्नोलॉजी की, जो अपन ने कल इंट्रोडक्शन दिखा था उससे एक स्टेप आगे का अपन इंट्रोडक्शन आज देखते हैं। देखिए आज के समय में जो बायो टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअल के अंदर वो बेस है रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी पे। किस पे? रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। अब ये रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, ठीक है। तो एक अपने पास तो क्वेश्चन मार्क यहां से ये आया कि ये जो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है एक्चुअल के अंदर ये क्या, इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अपन एक चीज यहां पर और देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न पीछे जाएंगे और देखेंगे कि देखो कोई भी ओरिजिनल है आपके पास, कोई भी जीव है, ये जो जीव है ये किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल से इसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये ओरिजिनल जो है इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी सेल की अगर अपन थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो अपन इसमें देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये जो डीएनए आरएनए होते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को नए जनरेशन के अंदर मूव करवा देते हैं।
कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, इसको मूव करवा देते हैं। ठीक है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दोनों बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कैरियर के रूप में काम करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, देखो क्या चीज है। अब यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये कोई प्लांट क्या है, कोई प्लांट, इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या है, कोई प्लांट ए। अब इस प्लांट की मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या है कि ये यहां पर येलो कलर के फ्लावर को शो करता है, यहां पर इसमें क्या है, येलो कलर के फ्लावर है। अब इस प्लांट से जब कोई अन्य प्लांट को क्या करा जाएगा, डेवलप करा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इस प्लांट की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट प्लांट के अंदर, यहां पर यानी कि ये प्लांट कोई बी है तो यहां पर भी वो प्रॉपर्टीज होंगी, यहां पर भी वो मैक्सिमम येलो कलर के प्लांट की होंगे। ठीक है, अब क्या करें, अगर अपन देखो यहां पर प्लांट ए है और यहां पर प्लांट बी है, ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। आप सभी लोगों को पता है कि ओरिजिनल की एक स्पेसिफिक क्या होता है, कैरेक्टर होता है कि वो अपनी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, अपनी संतति होती है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसीलिए ओरिजिनल उनको क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है, बहुत बेसिक चीज है। अब इस प्लांट की प्रॉपर्टीज किसके अंदर चली गई, प्लांट बी में, यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई, मूव हो गई। अब ये तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, क्या है ये कि नेचुरल प्रोसेस, ये तो होगा ही होगा, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इट मींस अगर अपन मान लीजिए कोई पी प्लांट ले लें, तो डेफिनेट सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या प्राप्त होगा अपन को, पी प्लांट की प्राप्ति होगा। और जो कैरेक्टर इस प्लांट के अंदर है वही कैरेक्टर कहां होंगे, इस प्लांट के अंदर भी होंगे मैक्सिमम टाइप। ठीक है, अब देखो, अब किसी कंडीशन के अंदर जब एक नेचुरल डिजायर उत्पन्न हो जाती है, या मान लीजिए कोई मानवीय क्षति उत्पन्न हो गई, जिस कंडीशन के अंदर ये जो येलो कलर के जो फ्लावर है ये किसी कारण इफेक्टेड हो गए, क्या हो गई, किसी कारण इफेक्टेड हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये इफेक्टेड हुए तो जब नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रहे हैं ये, तो ये भी इफेक्टेड हो जाएंगे, इट्स आल्सो इफेक्टेड, ये भी क्या होंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। अब इस जनरेशन को आगे मूव कराएंगे, यानी एक अनदर जनरेशन अपन यहां पर डेवलप करेंगे, जिसको अपन सी जनरेशन या सी टाइप प्लांट बोल देंगे। तो ये किससे चीज से, ये भी क्या होंगे, इफेक्टेड प्लांट हो जाएंगे, ये प्लांट सी क्या होंगे, ये भी इफेक्टेड प्लांट होंगे। यानी अगर एक जनरेशन पे अटैक हुआ तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या करेगा, मूव
करेगा, यानी अगर यहां पर इस प्लांट के इस येलो फ्लावर की प्योरिटी जो है, इसकी शुद्धता है, अगर इसके अंदर कोई एरर उत्पन्न हो गया, कोई क्षति इसमें हो गई, तो ये क्या करेगी, जनरेशन टू जनरेशन मूव करने लग जाएगी। ठीक है, क्षति का मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं बोल रहा हूं मैं इसको, जेनेटिकली चेंजेस इसमें हो जाते। ठीक है, तो ये क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन मूव करने लग जाएंगे, यानी जो प्योरिटी, यानी जो प्योरिटी इस येलो कलर के फ्लोर की थी, वो यहां पर आपको जो जनरेशन होगी, यानी फर्स्ट जनरेशन तो ये और सेकंड जनरेशन ये, इसमें नजर नहीं आएगी। और अगर थर्ड जनरेशन बनाना चाहेंगे तो उसमें तो और ज्यादा क्या होगा, इसमें एरर उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस चीज को सही करने के लिए, यानी अपन को ये येलो कलर जो सेम यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर है, जो पेरेंट है इसका, उसके अंदर जो येलो कलर की प्योरिटी है, शुद्धता है, उसको बनाए रखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि इस येलो कलर के प्लांट में से, यानी ये जो येलो कलर का जो फ्लोवर है, ये क्या है, कोई येलो कलर का फ्लोवर, इस येलो कलर के फ्लोवर का निर्धारण कौन करेगा, इसका डीएनए आरएनए। ठीक है, बताऊंगा इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, डीएनए आरएनए करेंगे। अगर इस डीएनए आरएनए को मैं मूव करवा लूं किसी वेक्टर की सहायता से, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड हो सकता है आपका, पीबीआर 326-322 हो सकता है, यानी ऐसी चीज जिसके द्वारा ये कैरी कर जाए, और मैं इससे क्या करूं, फ्रेश येलो कलर के प्लांट को प्राप्त कर लूं, या येलो कलर का फ्लावर प्राप्त कर लूं, तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। रिकमाइंड कर दिया इस चीज को, यानी जो चीज अपन को चाहिए थी उसी को अपन ने क्या कर दिया, रिकमाइंड कर लिया, और इसी से अपन काफी जो प्लांट है उनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एक प्लांट पे इंडिपेंडेंट नहीं हुए, अपन डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे एक प्लांट पे, अपन ने इस प्लांट से ही, इसके डीएनए आरएनए से, वेक्टर की सहायता से डिफरेंट जो प्लांट है वो क्या कर लिया, अपन ने प्राप्त कर लिए। यानी अगर एक स्पेसीज को इफेक्ट हो भी गया, तो अपने पास मोर देन स्पेसीज होंगी जो कि इससे अनइफेक्टेड होंगी। इस टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, पर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी प्लांट में भी सेम वर्क करती है, और ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए भी सेम टाइप से वर्क करती है। इट मींस इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए एंड आरएनए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल अपने पास होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं डीएनए और आरएनए, उस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, क्या, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। और जो ये रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी होती है, इट आल्सो ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अपन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बार बार कह रहे हैं, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में, इसको राइट डाउन। चलिए अब अपन इसमें देखते हैं कि अपन ने अभी तक तो देखा जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो किस प्रकार से वर्क कर रही थी, उसमें अपन ने एक आरडीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको कैसे कर करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल्स, इसकी जो ब्रांच होती है, यानी अगर अपन कोई कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो इसकी जो ब्रांच है उनको अपन बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर अपन जेनेटिकल मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए आरएनए प्रोटीन की स्टडी करते हैं, एंड थर्ड वन इज डीएनए बायोटेक्नोलॉजी, जब इस डीएनए के साथ कोई बायोलॉजिकल, जिसको अपन बोलें कि ओरिजिनल, एड ऑन कर देते हैं या उसको कैरियर के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर अपन जो एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है, जो अर्जित है, जो अपन को चाहिए, उनको अपन क्या कर सकते हैं, डीएनए में ट्रांसफर कर सकते हैं, या डीएनए की सहायता से उनको कैरी करा जा सकता है, ऐसे कैरेक्टर जो अपन को चाहिए। ठीक है, अब इसकी कुछ डिस्कवरी दे रखी है यहाँ पर, कुछ खोज जो इसमें हुई वो कौन सी हुई, 1960 के दशक के अंदर डब्ल्यू अर्बन ने सबसे पहले स्टडी करी बैक्टीरिया पे, किस पे स्टडी करी, बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया है एंजाइम, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा था ये, कि बैक्टीरिया जो है वो एक एंजाइम को रखता है, और जब वो एंजाइम ब्रेक डाउन होता है, तो वो एक वायरल डीएनए को डेवलप करता है, यानी इसमें जो डीएनए बना हुआ है वो एक्चुअल में किसका बना हुआ है, कोई एंजाइम है उसका बना हुआ होता है। ये किसकी डिस्कवरी थी, 1960 में डब्ल्यू अर्बन की स्टडी थी। इसके बाद ये 10 साल बाद में अगेन एक और स्टडी हुई 1970 के अंदर, जिसमें अर्बन, नॉर्थन और स्मिथ, इन तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
अर्बन, नॉर्थन एंड स्मिथ तीनों ने कंबाइंड स्टडी करी, उन्होंने देखा कि स्टडी ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फ्रॉम बैक्टीरिया इट्स ब्रेक इनटू ए स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। इन्होंने क्या कहा कि कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो कि क्या होता है स्पेसिफिक साइट से ब्रेक होता है, जिससे किसका डेवलपमेंट होता है स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट से क्या होता है अलग हो जाता है। यानी ये भी इस चीज को मान चुके थे कि कोई एंजाइम होता है जिसके जरिए क्या होता है डीएनए डेवलप होता है और वो स्पेसिफिक साइट से ब्रेक डाउन होता है, किससे जो रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं उनसे। नेक्स्ट 1973 के अंदर एनी चेंज एंड स्टिमले कॉन्स ने स्टडी करी, उन्होंने इन्होंने फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करा डेवलपमेंट किया, यानी आरडीएनए मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट किया। ये किसकर मिलकर बना हुआ था एक जीन से फ्रॉम ए बैक्टीरिया, जो किससे लिया गया था बैक्टीरिया से, और कैरियर कौन था प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, यानी इन्होंने फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करा स्टडी करा, इसको उसके अंदर क्या डाला इन्होंने जीन डाला किसके अंदर बैक्टीरिया में, जिसको कैरियर कौन था प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, यानी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो क्या था उसका कैरियर था। इसके बाद 1979 के अंदर कॉलिंस एंड होन्स ने स्टडी करी और उन्होंने देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है वो पैक होता है पॉड पॉड्स के रूप के अंदर क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या होते हैं पैक होते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट था सेकंड। थर्ड पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की और उसी के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है और नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उन आप लोग किसी ने नहीं बताया।